अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेसन पढ़ेंगे द हेयर एंड द टॉर्टॉइस। हेयर जो है वो उर्दू में खरगोश को कहते हैं और टॉर्टॉइस जो है वो कछुए को कहते हैं। ठीक है, तो वन डे ऑल द एनिमल्स ऑफ जंगल वर हैविंग फन टुगेदर। एक दिन जंगल के तमाम जानवर एक साथ मज़े कर रहे थे। एनिमल्स जो है वो जानवर को कहते हैं। आप देखें इसके दो हिस्से हैं, अगर आप स्पेलिंग याद करना चाहें तो एनिमल्स आपको आराम से याद हो जाएगा। एक वन, डे को दिन कहते हैं, आल तमाम, द आर्टिकल है और वर, ये बार बार ये लफ्ज़ आएंगे, अगर आप एक दफ़ा इनको पक्का याद कर लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब अगला है हैविंग। हैविंग का मानी होता है रखना या होना। ये लफ्ज अमूमन किसी चीज के हसूल या मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप ये याद रखें कि हैविंग में आई एन जी जहां भी होगा इंग की साउंड लगाएगा, तो आप हैव में एच ए वी ई लिखते हैं अगर खाली हैव लिखें, लेकिन जब हैविंग लिखेंगे तो ई हट जाएगा और आई एन जी आ जाएगा। टुगेदर मिलकर या इकट्ठे। अ हेयर टोल्ड देम प्राउडली दैट ही कुड रन वेरी फास्ट। एक खरगोश ने फखर से उन्हें बताया कि वह बहुत तेज दौड़ सकता है। टोल्ड कहते हैं बताना, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड है। प्राउडली जो है वो फखर को कहते हैं और फास्ट का मानी होता है तेज या जल्दी। अब हम इसमें ये साइट वर्ड्स हैं जो बार बार आएंगे और इनका यही मतलब है, उनका देम उनके उनका दैट कोई चीज दूर हो तो हम कहते हैं दैट वो, और ही जो है वो लड़के के लिए बोला जाता है मेल जेंडर के लिए। कुड कैन कर सकता हूँ प्रेजेंट टेंस है और कुड उसका पास्ट टेंस है और वेरी का मानी होता है बहुत। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ अ टॉर्टॉइस फॉर हिज स्लो स्पीड। वो एक कछुए का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। तो इसमें मुश्किल अल्फाज जो हैं, स्लो आहिस्ता को कहते हैं और स्पीड रफ्तार, और इसमें जो साइट वर्ड्स हैं वो हैं वॉज था फॉर के लिए और हिज लड़का अगर हो मेल जेंडर हो तो उसका के लिए हिज इस्तेमाल करते हैं। द टॉर्टॉइस चैलेंज्ड द हेयर टू हैव अ रेस। कछुए ने खरगोश को दौड़ का चैलेंज दिया। चैलेंज जो है ये चैलेंज्ड ईडी लगा दें तो ये पास्ट टेंस है, इसे ललकारना कहते हैं, या उसने उसको दावत दी कि तुम मेरे साथ रेस लगाओ। रेस को दौड़ भी कहते हैं उर्दू में। द हेयर हैप्पीली एग्रीड। खरगोश ने खुशी खुशी मान लिया। हैप्पीली हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश और खुशी से हैप्पीली, और एग्रीड मान जाना। अब एग्री मान जाना होता है प्रेजेंट टेंस और एग्रीड जो है मान जाना पास्ट टेंस में आता है। स्टार्टेड, स्टार्ट जो है वो शुरू करने को कहते हैं और पास्ट टेंस जब कहते हैं तो ईडी लगा देते हैं, शुरू करना। द हेयर रैन वेरी फास्ट एंड लेफ्ट द टॉर्टॉइस फॉर बिहाइंड। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब इसमें लेफ्ट जो है एक राइट लेफ्ट उल्टे को भी कहते हैं, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, लीव का पास्ट टेंस है, फार का कहते हैं दूर और बिहाइंड कहते हैं पीछे, यानी कछुआ जो है उसको वो पीछे रह गया और खरगोश उससे बहुत आगे चला गया। आई हैव मच टाइम टू रीच द फिनिश लाइन। मेरे पास इख्तितामी लाइन तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त है। वो चीज जो अनकाउंटेबल हो उसके लिए मच इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाइम है, पानी है, और अगर काउंटेबल हो, अगर उसे गिना जा सके तो उसके लिए ज्यादती के लिए मैनी इस्तेमाल करते हैं। टाइम वक्त को कहते हैं।
रीच का मायने होता है पहुंचना, फिनिश इख्तिताम, और लाइन लकीर को कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा स्कूल में भी जब मुकाबले होते हैं, रेस होती है, तो एक लाइन लगाई जाती है जो कि एंड पॉइंट होती है कि यहाँ तक आखिरी पॉइंट है, जो इसको अबूर कर लेगा वो फर्स्ट पोजीशन पे लेगा, तो इसको फिनिश लाइन या इख्तितामी लाइन कहते हैं। आई कैन हैव सम रेस्ट ही थॉट, मैं थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ, उसने सोचा। किसने? हेयर ने, यानी खरगोश ने। सम का मतलब होता है थोड़ा, रेस्ट आराम को कहते हैं, और थॉट सोचने को कहते हैं। सो ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री, सो लिहाजा वो एक दरख्त के नीचे सो गया। स्लेप्ट स्लीप सोने को कहते हैं, स्लेप्ट पास्ट टेंस है, अंडर नीचे, ट्री दरख्त को कहते हैं। द टॉर्टाइज केप्ट मूविंग स्लोली, कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। केप्ट कहते हैं रखना, मूविंग हरकत करना। आप यहाँ पे देखें, मूव कहते हैं हरकत करने को, और जब आईएनजी लग जाता है तो मूविंग हरकत कर रहा है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। एट लास्ट ही रीच द फिनिश लाइन, आखिरकार वो इख्तितामी लाइन पर पहुंच गया। एट लास्ट कहते हैं आखिरकार को। द एनिमल्स लाउडली चीयर्ड फॉर द टॉर्टाइज, जानवरों ने कछुए के लिए जोर जोर से दाद दी। लाउडली कहते हैं ऊंची आवाज को, और चीयर्ड कहते हैं खुशी से किसी की दाद देना, खुशी का इजहार करना। द पुअर हेयर रैन टू रीच द फिनिश लाइन, बट इट वॉज टू लेट, गरीब खरगोश इख्तितामी लकीर तक पहुंचने के लिए दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुअर जो है वो बेचारा और गरीब दोनों मानी में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे बेचारगी के मानों में इस्तेमाल हुआ है। द टॉर्टाइज वॉज क्लोज टू द फिनिश लाइन, कछुआ जो है वो इख्तितामी लाइन के करीब था। क्लोज कहते हैं करीब होने को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।